नमस्कार, मैं पूजा पुनेठा हूं और आप सुन रहे हैं बाल का बदनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज 3 जुलाई और दिन सोमवार है। इस बार बाल खबरनामा में हफ्ते भर की बच्चों से संबंधित खबरों को लेकर हम फिर से पेश हैं। सबसे पहले सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पुलिस कार्रवाई में अल्जीरिया मूल के एक 17 वर्षीय किशोर की मौत के बाद फ्रांस में हिंसा का दौर जारी है। पुलिस ने अब तक 1700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं शहर में कई जगह कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसी बीच राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने इसके लिए वीडियो गेम को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि हिंसा बढ़ने के लिए स्नैपचैट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है। इसके अलावा उन्होंने माता पिता से गुजारिश की है कि वे अपने बच्चों को सड़कों से दूर रखें। अब दूसरी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज। यूनिसेफ ने कैरिबियाई देश में लिंग आधारित हिंसा पर अपनी चिंता जाहिर की। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा है कि हैती में हजारों की संख्या में युवतियां लिंग आधारित हिंसा की शिकार हो रही हैं। यूनिसेफ निदेशक ने उनकी हालिया यात्रा के बाद ये कहा है कि ये साफ हो गया है कि पुलिस के पास देश को सुरक्षित रखने और हिंसक समूहों से रक्षा करने की क्षमता नहीं है। भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के असर को लेकर 13 साल बाद 2023 की वार्षिक रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत बेहतर उपाय किए हैं। इससे पहले साल 2010 में भारत का नाम पाकिस्तान, नाइजीरिया, कैमरून, फिलीपींस आदि देश के साथ शामिल था। और इस हफ्ते की आखिरी खबर, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को स्कूल की ओर से दी गई मुफ्त किताबें, ड्रेस और स्टेशनरी आदि के बदले पैसे मांगे जाने के आरोप की जांच करने के आदेश दिए हैं। निदेशालय ने ये कदम कुछ अभिभावकों की शिकायत के बाद उठाया है। इस हफ्ते बाल खबरनामा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से सुने और जुड़े बाल खबरनामा में। तब तक के लिए धन्यवाद।